राज्य में कोरोना संकट काल के बीच लगातार भूपेश बघेल सरकार देश में अग्रणी है। हर मोर्चे पर सरकार योजनाओं से लेकर कानून के बेहतर क्रियान्वयन में नंबर वन है। फिर चाहे बात मनरेगा में मजदूरों को काम देने की हो, या फिर सर्वाधिक लघु वन उपज खरीदी करने का, या फिर वन अधिकार कानून के तहत मान्यता पत्र देने की। देखिए ये रिपोर्ट। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों में कुल 51 लाख। ताजा रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार वन अधिकार पत्र देने में पूरे देश में सबसे आगे है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस कानून के तहत राज्य में अब तक 4,41,000 से अधिक लोगों को वन पत्रक का वितरण किया जा चुका है। इसके साथ ही 46,000 से अधिक सामुदायिक वन अधिकार का भी वितरण हो चुका है। इस प्रकार व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों में कुल 51,06,000 एकड़ से अधिक व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों को स्थानीय समुदायों को वितरण किया गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति वन अधिकार पत्र धारक को औसतन 1 हेक्टेयर भूमि पर मान्यता प्रदान की गई है, जो तुलनात्मक रूप से देश में बेहतर स्थिति है। वन अधिकार कानून को लेकर जानिए छत्तीसगढ़ में ये खास बातें। वन भूमि पर शासकीय योजनाओं का लाभ, मेड़ बधान कार्य से लाभान्वित, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जन सुविधाएं जैसे विद्यालय, औषधालय, आंगनबाड़ी, उचित मूल्य की दुकान, विद्युत एवं दूर संचार लाइन, टंकिया एवं लघु जलाशय, पेयजल की आपूर्ति एवं जल पाइपलाइन, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहर, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, सड़कें एवं सामुदायिक केंद्रों से 13 प्रयोजन के लिए 2309 कार्य। वन मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि प्रदेश में पहली बार राज्य सरकार की ओर से जनवरी 2019 के बाद सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के 23 प्रकरण के अंतर्गत 26,000 हेक्टेयर वन भूमि पर ग्राम सभाओं को प्रबंधन के अधिकार की मान्यता दी गई है। वहीं बड़ी बात यह है कि व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता प्राप्त हितग्राहियों को केवल वन अधिकार पत्र ही नहीं सौंपे गए, बल्कि उनकी मान्य वन भूमि पर शासकीय योजनाओं से सिंचाई सुविधा, खाद, बीज, कृषि उपकरण आदि भी उपलब्ध कराए गए हैं। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक शासकीय योजनाओं का लाभ वन अधिकार प्राप्त पत्रकधारी आदिवासियों को मिले। छत्तीसगढ़ में दोनों टाइप के पट्टे बटे हैं, एक तो व्यक्तिगत 4,41,000 से अधिक और सामुदायिक वन अधिकार पत्र 46,000 से अधिक, और पूरे राज्य में वर्तमान में और बाकी के जिनके दावे हैं उसके बारे में भी उसका परीक्षण चल रहा है। और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लगातार इस बात का प्रयास है कि जो वन अधिकार पत्र दिए गए हैं, चाहे व्यक्तिगत हो और चाहे वो सामुदायिक हो, तो उसमें फलदार वृक्ष लगाए जाएं, फलदार वृक्षारोपण उसमें होना चाहिए, और उसके लिए पूरे स्थानों को चिन्हित करते हुए और योजना से जोड़ना है ताकि उनको लाभ मिल सके। वनवासियों को सम्मान के जीवन के साथ साथ अतिरिक्त आय के संसाधन उपलब्ध कराते हुए आत्मनिर्भर बनाने के लिए वन भूमि पर सिंचित फलदार लघु वनोपज और औषधि रोपण, सब्जी उत्पादन आदि कार्य मनरेगा योजना के अंतर्गत क्रियान्वित किए गए हैं। वास्तव में भूपेश सरकार वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को पट्टे ही नहीं बांट रही, बल्कि उनके जीवन को संवार भी रही है। रायपुर में महिला